तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ITBP कॉन्स्टेबल HC ASI रिक्वायरमेंट 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ITBP में यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेबल, यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल ASI के लिए बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी है, कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा दोस्तों, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कब से आवेदन शुरू होगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ITBP की तरफ से वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तरफ से यहाँ वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, यानी कि अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 20 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। आगे यहाँ पे इसमें अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात की जाए तो 3 अक्टूबर को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ दोस्तों, और 18 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू होगा दोस्तों, और 26 नवंबर 2024 तक चलने वाले दोस्तों। एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आया। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये लगेगा, वहीं SC ST फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिस भी माध्यम के सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं, आप पेमेंट जमा कर पाएंगे दोस्तों। और भी यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपका एज यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, और मैक्सिमम आपका एज यहाँ पे 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। आप ये देख सकते हैं सभी पोस्टों के लिए एज मेंशन किया गया दोस्तों। 1/1/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे बताया गया है, जो कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आगे हम बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करना है दोस्तों, आप वीडियो अंत तक बन रही। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट, UR के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, OBC के लिए 3 पोस्ट है, ST के लिए 0 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, और टोटल 60 पोस्ट पर भर्ती निकाले गए दोस्तों। वहीं देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ के लिए देख सकते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए UR के लिए 3 है, OBC के लिए 0 पोस्ट है, SC के लिए 0 है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 ही पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं 1 टीम टेक्निकल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, UR के लिए बशर्ते की पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं बायोग्राफिक के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 1 ही पोस्ट है दोस्तों, UR के लिए सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई। आगे यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल के टेस्ट होगा दोस्तों, प्रैक्टिस का टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। इन 5 स्टेज से गुजरना होगा तब जाकर आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। आगे हमें आवेदन के फॉर्म के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लोड कर पाएंगे, ITBP का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोड कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देखने को मिलेगा दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया पोस्ट वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज करके वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन किया गया दोस्तों। और भी यहाँ पे नीचे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों एज लिमिट के बारे में पोस्ट वाइज मेंशन किया गया दोस्तों, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट जो टेक्निकल के लिए है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच यहाँ पे एज होनी चाहिए दोस्तों। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए दोस्तों। वहीं देख सकते हैं सेंट्रल सर्विस के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल होनी चाहिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप सी वाले के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों मेडिकल में, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल एंड मेडिसिन
में होनी चाहिए। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों, जिसमें 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड यहाँ पे बायोलॉजी से होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जनरल सर्विस और यहाँ पे ग्रुप सी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा इन रेशियो होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट के बारे में भी जानकारी दिया गया, जो मेंशन किया गया दोस्तों, एज यहाँ पे देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया। उसी प्रकार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों। बर्मी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे पोस्ट वाइज में भी बर्मी पास डिप्लोमा का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हेड कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पे बर्मी पास होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिए, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आसानी से आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऑफिशियल साइट के माध्यम से डाउनलोड कर आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी दिया गया, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया दोस्तों, और भी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया जिसका यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन जो शुरू होगा दोस्तों 28 अक्टूबर से आवेदन शुरू होगा दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आवेदन का लिंक दिया गया दोस्तों। तो जब भी आवेदन शुरू होगा आवेदन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताएंगे दोस्तों कि आप मोबाइल फ़ोन से किस तरह से आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेना चाहते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताएंगे। ऑनलाइन से इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आवेदन फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर हम बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म के जानकारी के साथ।